अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस वक्त हम कराची के मशहूर व मारूफ ताजिर शर्जील गोपलानी साहब के साथ मौजूद हैं और आज इन्होंने स्टेज के ऊपर बहुत ज़बरदस्त ऐलान किया, क्योंकि मैंने चाहा कि इनका इंटरव्यू नीचे लेऊं। तो सर, आपने बोला कि अगर जिहाद का ऐलान होता है और यहाँ से जो है काफिला जाता है तो तमाम तर अखराज जो है ताजिर बिरादरी इख्तियार करेगी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सीधी सी बात है, हमारे फ़राइज़ में शामिल है। ये हमने उस्मान गनी का जो है हमारे सामने मौजूद है, साहबा कराम ने अपने घर के बर्तन तक बेच के जहाद के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दिए। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो नहीं पहुँचे, लेकिन उस उम्मत में तो ज़रूर हैं और इंशाल्लाह साहबा की सुन्नत है उस पर हम अमल करेंगे। कराची के ताजिर अपना तन मन धन जहाद के लिए हुकूमत ऐलान करती है, यहाँ से रास्ता दे दिए, तमाम अखराजात कराची के ताजिर बर्दाश्त करेंगे और तमाम लोगों को फलस्तीन की सरजमीन तक पहुँचाने की जिम्मेदारी कराची के ताजिरों की। अच्छा, आप जो है पाकिस्तान के इदारों से क्या तवक्का करते हैं और उनको क्या पैगाम देते हैं? एक ही पैगाम है, क्योंकि पाकिस्तान इसराइल का ऑल्टरनेट है। इसराइल जिस वक्त कायम हुआ उस वक्त पाकिस्तान कायम हुआ है। पाकिस्तान ने यहीं से जहाज का ऐलान करना है, सिपा सालार से एक ही दरख्वास्त है, हमें रूट फराहम करें। आपकी कोई मजबूरियाँ हैं, कोई परेशानियाँ हैं, हमें उसके मसला नहीं है, आप हमें रूट फराहम करें, हम वहाँ जाएंगे, या तो ताजिर शहादत पाएंगे या गाजी बन के लौटेंगे। तो आप बाकी ताजिरों को भी अपने साथ मिलाएंगे इस मामले में? कराची का बच्चा फलस्तीन के लिए जान देने के लिए तैयार है, इस दीन के लिए मर मिटने के लिए तैयार है, रसूल अल्लाह की उम्मत को बचाने के लिए तैयार है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। काशिफ कादरी, मोबाइल मार्केट, अब्दुल्ला।